दोस्तों बाइक लेके एक लड़का और लड़की जो है दोनों फिसल कर गिर गए। कपल थे, कपल नहीं है, भाई बहन भी हो सकते कपल। हर वक्त यार सुनील भाई यार पागल टाइम मत करो यार, है ना, क्या बात करते हैं। जा वहाँ पर हेल्प कर गया उनको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, मना कर रहे हैं। मैंने बोला। आपने बोला? हाँ। क्या उनके कोई लगी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं। दोस्तों बेचारा यार वहाँ पर जो देखो कहाँ पर स्लिप हो गए, पर वाइपर घुमाता हूँ गाड़ी के, वो देखो वहाँ नीचे गए ना, गिर गए दोनों। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बारिश का मौसम चल रहा है। दोस्तों मैं कब से देख रहा हूँ एक दादा और दादी दोनों बैठकर जो है मक्के के भुट्टे सेक रहे हैं, मूंगफली भी सेक रहे हैं बारिश के अंदर, और इतनी बारिश हो रही है आप देख लो बाहर, और हम करीब कार के अंदर एक घंटे से वेट कर रहे हैं कि बारिश अगर रुके तो हमें किसी को रिसीव करना है, तो वो क्या बंदा आ रहा है। उससे पहले मेरी नज़र पड़ी इनके ऊपर, कम से कम एक घंटे से देख रहा हूँ इनके पास कोई ग्राहक कस्टमर कोई नहीं आया। दोस्तों ये कंडीशन है, इतनी मेहनत में ये जो मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं इनके क्या हालचाल होंगे, क्या पता इनके कैसे खर्चा चलता होगा। चलते हैं इनसे जानकारी भी लेते हैं। दोस्तों मैं मन हो गया इनसे आज बात करने के लिए, और दिल छूने वाली बात होगी दोस्तों कि यार अकेले दोस्तों एक घंटा हो गया और कई कस्टमर भी नहीं आए इनके यार। सुनो भाई चले मार, चलो यार, और नंगे पैर थोड़ी है, इन्हें चंपल पहने हुए यार। चलो दोस्तों यार मान लेते हैं, चलो आइए दोस्तों। राम राम। राम राम। मैं कब से देख रहा हूँ यार आप बारिश के अंदर जो इतनी मेहनत कर रहे हो, भुट्टे सेक रहे हो, मूंगफली सेक रहे हो, एक भी ग्राहक नहीं आया, एक भी नहीं आया बारिश में। दिन पर आप इतनी मेहनत करते हैं के बाद भी आप कितने पैसे कमा लेते हो यहाँ से? क्या करें यार, तो भी कितने पैसे आपके कमा लेते हो आप? क्या कमा रहे, देख लो यार ग्राहकी तो कोई है नहीं। कोई नहीं है बिल्कुल यार, आप ग्राहकी तो कोई है नहीं। 2000 रुपया होता है, कभी 200 बन जाता है, कभी 150 भी बन जाता है। ये मतलब लास्ट दिहाड़ी है कम से कम 200 से 250 रुपए होती है। लास्ट में 250 रुपए, लास्ट 250 रुपए बाई चांस सुबह से शाम तक बैठे हुए थे। तो दोस्तों यार क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को, इतनी मेहनत कर रहे हैं जो आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? उम्र मेरी 60 साल की है। 60 साल के हो? अच्छा, ये माँ अपने, ये माँ जी 50 साल के हो, 10 साल आप इनसे बड़े हो, क्या जोड़ी है। तो दोस्तों यार क्या पूछो, आपके बोनी बट्टे भी हुए हैं, लेकिन कितने बोनी बट्टा हुआ अभी तक, कितना हुआ है? 20 रुपए 20 रुपए लेके दोस्तों इन्होंने इतने देखो पड़े हुए हैं, लोग माल पड़ा हुआ, मतलब कहने मतलब दोस्तों मेहनत तो कर रहे हैं पर लेकिन ग्राहक भी नहीं है, बारिश हो रही है और मौसम के अंदर हिसाब से तो कुछ खर्चा करने के लिए लोग जो बाहर निकलते हैं फिर भी दोस्तों कुछ खरीदते नहीं है, और इनका घर कैसे चलता है? मतलब दिन भर इनका जो 200 रुपए से क्या आएंगे, चाय पानी वगैरह, कोई आटा वगैरह नमक कैसे क्या होता होगा। लेकिन मेरा एक मन दुखा, आप हमें एक एक भुट्टा खिला दो हमें। सबसे पहले काम करो, ये सबसे पहले काम करते हैं, हमें भूख लग रही, भुट्टा खाओ। सुनील भाई आप ही एक भुट्टा आप भी खाओ भैया, ये लो आप एक, हमें भी तो बढ़िया देना अच्छा वाला यार, ये कर दो मुझे ये वाला, ये पक्का कर दो, ये अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये ऐसे कुछ नहीं है मेरा कार के अंदर, देखो दोस्तों मैं कब का ही जो है कुछ कुछ ना कुछ खा रहा हूँ, जैसे मूंगफली वगैरह मेरी पड़ी हुई रहती है एनी टाइम, और फल फ्रूट केले वाले वगैरह मैं खाते ही रहता हूँ, फिर भी मैं जो है जोर जबरदस्ती मुझे इनके लिए ये जो भुट्टे खा रहा हूँ, मेरा जो मन दुख रहा है कि क्या होगा यार। राजस्थान के अंदर उदयपुर जिला है, और देखता हूँ दोस्तों काफ़ी लोग जो मेहनत करके जो एक ठेला लगाता है, पैसे नहीं मिलते, ठेले लगाता है, उसके बाद जो 20 रुपए में 15 रुपए में एक भुट्टा बेचते, जो भी लोग कहते हैं इतना महंगा क्यों, तो ये कारण ये हो गया दोस्तों कि यार क्या बताऊं मैं आपको, लोगों की सोच ऐसी है जहां पर दिखावटी होती है ना वहां पर 100 रुपए से लेके 400 रुपए तक खर्चा कर लेते हैं, और जहां पर दिखावटी नहीं होती ना वहां पर जो लोग शाणे बनकर कम से कम 15 रुपए के लिए 50 बार माथा खाते हैं, उसके बाद जो 10 रुपए का भुट्टा लेके खाते हैं, उन्हें सोचते कि यार इनके अगर 15 रुपए लग रहे 15 रुपए दे दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या घर तो चलेगा, ये सोच लो यार। कोई अगर इस उम्र में अगर किसी का भला हो जाए तो क्या चाहिए, ऐसा होता है कोई ग्राहक आता है अरे भुट्टा दे देना कल पैसा दे देंगे, अच्छा तो मेरी देखता हूँ कल दे देगा, अच्छा वो ग्राहक वापस आता ही कोई नहीं है, उधार करने के बाद आपको बोलते कल दे देंगे उसके बाद गायब। हाँ उधार एक जादू है, वो गायब होने का सिस्टम है, कोई बात नहीं अपने को जो लगे जो उसे उधार करना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, भले नहीं कमाना कोई बात नहीं, लेकिन घाटा में कभी बिजनेस नहीं करना है। और आप इतनी मेहनत कर रहे हो, माँ का क्या नाम है? उमली भाई। उमली भाई क्या नाम है यार, बस दोस्तों ये देखो इनका ये जो लगा हुआ है ये ठेला काफ़ी मतलब एक पेड़ के नीचे है, जो बारिश कम आ रही है लेकिन देखो पूरी शर्ट जो है पीछे से इनकी गिली पड़ी हुई है,
मतलब सारे कपड़े, और क्या बताऊँ मेरे को, मतलब सोचने वाली बात हो गई कि यार। चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं भुट्टे वुट्टे खाता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। जब तक के लिए मेरा भुट्टा सेक रहा है। मेरे किस्मत में होगा जो होगा। सही कह रहे हो। क्या करते अपने पुत्र? अच्छा, पत्थर वत्थर वगैरह सब खाली वाली करते हैं। शादी हो गई या छोटे हैं? छोटे हैं, छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं। शादी है, अच्छा। कितने दूर से आते हो आप? अच्छा, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से। मेहनत करते हैं, पर मेहनत नहीं मिल रही है। मतलब मेहनत कर रहे हो, मेहनत नहीं मिल रही है कह रहे हैं। दोस्तों, एक उदास जो माँ है बैठी हुई है, मतलब क्या बताऊँ दोस्तों यार, सबका सपना होता है कि घर हो, अच्छे से रोटी पानी मिले, अच्छे से सब्जी खा सके, हरी सब्जी खा सके, लेकिन क्या बता क्या है। नींबू लगा दें थोड़ा सा? हाँ, लगा लो आप। आप सोचते होंगे बारिश का मौसम हो रहा हो, आपको भी ऐसे खाने का मन हो गया, ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, वीडियो बनाने का एक ही मोटिवेशनल है कि दिखावटी कर रही है तो आप ही दिखावटी करके बता दो, आप में अगर हिम्मत है तो। सही है ना? सही है, सही है। ये मैं कार के अंदर खाऊंगा, नमक कम है, नींबू भी इतने महंगे है ना, लेकिन क्या है कि 100 रुपए किलो नींबू है। अब देखो ये कितने रुपए का एक है, कितने रुपए का ये? 20 रुपए का एक है। 20 रुपए का एक है, तो 3 हमने लिए, एक 50 पकड़ो इसके हो गए ना, 50 पकड़ो उस भाई के हो गए, 50 पकड़ो आप, ठीक है, खुश, ठीक है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि यार आप लोगों का घर चले, बस कुछ आप, मैं हमेशा जिस रास्ते, इस रास्ते पे जब भी निकलूंगा आपको याद करूंगा और आपके यहाँ पर जरूर फुट्टा खाऊंगा, जब तक बारिश है ना, उसके बाद आगे का जो भी है देखेंगे, ठीक है ना। चलते हैं, मेरे गरीब आदमी का जान, बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम, है ना। तो दोस्तों चलते हैं, और जब अगर समय सही आएगा हमारा भी तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपका भी दुख हो सके। जय भारत, चलो।